संस्कृति में। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं लिखोगे कभी भी। अगर तुम्हें सेक्शन पता है, वो सब पता है, तो पहले उससे आंसर, पहले हमेशा प्रोविजन को एक्सप्लेन करो कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। और प्लीज ये तो चेक करो कि मार्क्स कितने का है। तुम मतलब पांच पांच नंबर में सिर्फ इतना सा पांच लाइनें लिख के आ रहे हो, जबकि तुम्हें मैंने प्रोविजन रटाए हैं। गाइज मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था सीरियसली। और अगर यही तुम्हारा स्टैंडर्ड रहने वाला है, देन यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड एट एनी कॉस्ट, अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा अचीव करना है तो। बाकी तुम लोग की इच्छा पे। नो से नेगेटिव आंसर्स नहीं चालू करोगे। अगर करना है तो बहुत तरीके से, अगर स्पेसिफिक, जैसे दो मार्क्स का ही क्वेश्चन है, एक मार्क का ही क्वेश्चन है, तो स्पेसिफिकली बहुत करेक्ट लैंग्वेज में और एकदम वर्ड्स को सोच के लिखोगे, ऐसे ही नहीं लिख दोगे। मतलब कितने जनों ने ऐसे मस्ट बी, शैल बी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कुछ भी लिखा है। वर्ड क्या होना चाहिए था प्रॉपर? ओपीसी के केस में जब अपन बोलते हैं ना, वो सोल मेंबर या जो नॉमिनी है, सोल मेंबर स्लैश नॉमिनी लिख दिया, थोड़ा तो अच्छे से लिखो। वो तो अपन जब रफ नोटबुक में लिखते हैं तब वैसा वर्क लिखते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है किसने कैसा लिखा है, बट जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं। याद है तुम लोग में खुद में जो लिखा है वो तो तुम्हें याद होगा ना। तो हमेशा ढंग से आंसर लिखोगे और वो हमेशा जो वर्ड होना चाहिए वो मस्ट होना चाहिए। वो इंडिया का क्या होना चाहिए? मस्ट, रेजिडेंट मस्ट। तो तुमने एक लाइन तो अच्छे से लिखी, एक लाइन में तो मस्ट लिख दिया, फिर दूसरे में तो बस रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया, बस इतना ही लिखा है। क्यों? बाकी में तुम्हारा मस्ट सो गया था। मुझे कल तुम्हारा टेस्ट पेपर चाहिए, कल तुम्हारा टेस्ट पेपर चाहिए। और किसने टेस्ट नहीं दिया था? हाँ उसने, उसका ही बोल रहा हूँ। तुमने दे दिया था तो तुम्हारा भी चाहिए, पहले उस पे था फिर तुम पे था। क्या इसको तो पता ही नहीं है कुछ, याद पा रही है? हाँ उनको बोल के जाना, मतलब है पेपर फिर भी टेस्ट नहीं दिया है, कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे को? और क्या भी रहा है? मैं भेज दूंगा तुझे, मैं भेज दूंगा। चलो आज बहुत सिंपल टॉपिक से, आज अपन दोनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एमओए और एओए। एमओए सुना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या मतलब होता है इसका? एक ऐसा चार्टर डॉक्यूमेंट जो क्या करता है, पावर्स बताता है। क्या एमओए के बियॉन्ड जा सकते हैं क्या? अगर एमओए के थोड़ा बाहर गए तो अपन को किसके अंदर रहना जरूरी है? कंपनीज एक्ट के अंदर रहना जरूरी है। क्या कंपनीज एक्ट के बाहर जा सकते हैं क्या? एओए के थोड़ा बाहर जा सकते हैं क्या? कितना बाहर? एमओए तक। एमओए से थोड़ा और बाहर गए तो कंपनीज एक्ट तक। तो एमओए बोले तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा चार्टर डॉक्यूमेंट। तुम्हें अभी तक तो ये समझ आ गया होगा कि जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन डिफाइंड है वो बहुत सिंपल है। 2 सब सेक्शन 56, 51 किसका था? बोले तो नहीं हो ना, ठीक है। 256 बोलता है, मेमोरेंडम को डिफाइन करता है। ये बोलता है मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम जो ओरिजिनल, मतलब या तो आपने नया नया बनाया है, ठीक है, या फिर उसको अल्टर किया है टाइम टू टाइम। किसके अकॉर्डिंग अल्टर करेंगे अपन? ऑफ कोर्स कंपनी लॉ के हिसाब से, चाहे वो पुराना वाला हो चाहे वो अभी वाला हो। बोले तो 1956 और उनसे पहले वाला या 2013 वाला। याद हुई डेफिनेशन? 2 सब सेक्शन 56 क्या बोलता है? मेमोरेंडम मीन्स अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम, या तो उसको ओरिजिनली फ्रेम किया गया है या फिर उसको अल्टर किया गया है टाइम टू टाइम। किसके हिसाब से? प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से और दिस एक्ट। याद हुआ थोड़ा बहुत? तो कंपनी मेमोरेंडम बोले तो मेमोरेंडम जो दो पॉइंट्स है, क्या क्या? या तो ओरिजिनली क्रिएट किया गया या फिर अल्टर किया गया। वापस दो चीजें है, पुराना वाला एक्ट या नया एक्ट। डन। पामल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, ये बोलता है मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जिसके बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कंपनी को मेन रिलेशन क्रिएट करता है कंपनी के साथ। उसमें उसका ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है और उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन बताता है जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है। और अगर वो उसके बियॉन्ड चले गए तो उसे अपन अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। अल्ट्रा बोले तो, और वायरस बोले तो पावर, ठीक है। तो हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसे अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। ये टॉपिक मैं तुम्हें कवर कराऊंगी, ठीक है? समझ आया क्या? बड़ा हुआ ना थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। चलो कैरेंस के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
अरे ऑथर का नाम है। इसके हिसाब से डेफिनेशन बोलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक चार्टर, चार्टर समझते हो, ताज, हाँ वही चार्टर मतलब ताज, एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो डिफाइन करता है उसकी लिमिटेशन ऑफ पावर, समझ रहे हो, लिमिटेशंस तो है बट किसकी पावर की, बोले तो हद से हद अपनी कंपनी ये कर सकती है, द मैक्सिमम क्राइटेरिया, वो किसमें स्पेसिफाइड होता है, मेमोरेंडम में होता है। नेक्स्ट बोवेन ने बोला था मेमोरेंडम, क्या कौन है गुस्सा गुस्सा कर रहा है पीछे से आज, मेमोरेंडम कंटेन करता है फंडामेंटल कंडीशंस को जिसके ऊपर कंपनी को अलाउड है इनकॉर्पोरेशन के। तुम्हें पता होगा इनकॉर्पोरेशन में अपन डॉक्यूमेंट लगाते हैं, एमओए लगाते हैं, एओए भी लगाते हैं, तो वहां ही इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हम कंपनी को क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं कि इन कंडीशंस के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, डन। मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 56। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम दो चीजें हैं, या तो ओरिजिनली फ्रेम्ड होगा या अल्टर्ड होगा टाइम टू टाइम, किस बेस पे, दो चीजों पे। मनन गजब रट्टा मारता है, गजब हाथों हाथ इसने रट लिया। पर्पसेस एंड फॉर्म्स ऑफ एमओए, अब एमओए के लिए क्या क्या चीजें करते हैं अपन, ठीक है, तो मेन जो पर्पस है ना एमओए का वो दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो रिस्क रिलेटेड, देखो जब भी अपन कोई पावर बताता है ना तो उसमें अपने साथ रिस्क भी होती है, जितने पावर्स होंगे उतनी रिस्क होगी, जैसे अगर एक जज को बहुत सारी चीजें मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उनकी जिंदगी रिस्क पे भी है ना, तो जितनी पावर्स, पुलिस पावर्स उनके पास बहुत है पर उनके रिस्क भी तो उतनी है, गुंडे भी तो उनके उतने ही पीछे पड़े होते हैं, जेन्युइनली बहुत सारी चीजें होती है जो पीछे होती है, अपने को पता नहीं चलती जब तक अपन उस पोस्ट पे ना हो तब तक, ठीक है। और अपन दूसरे पॉइंट क्या बताते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या था, ठीक है, तो ये बोलता है कि शेयर होल्डर को हम बताते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो ना तो आप कौन से रिस्क को ले सकते हो, मतलब आपको कौन से रिस्क झेलनी पड़ सकती है। एमओए में हम क्या बताते हैं, मतलब कंपनी लोन ले सकती है कि अगर कंपनी को ये करना है तो कैसे करेगी, क्या करना है, तो रिस्क पता चल गई ना शेयर होल्डर्स को कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप कितने रिस्क पे हो। और सेकंड पॉइंट क्या बता देगा वो अपने को कि उनका ऑब्जेक्ट क्या था, कंपनी क्या मेन ऑब्जेक्ट से आई है, उसका प्रॉफिट मेन ओरिएंटेशन है या क्या है। तुम्हें पता है अपने इंस्टीट्यूट भी अपने को दो चीजें लिख के देती है, विजन और मिशन, ये सुना है, देखा है तुमने, कोई बुक है तुम्हारे पास, मॉड्यूल के पीछे भी दे रखा होता है इंस्टीट्यूट ने और आगे भी फर्स्ट पेज वगैरह सब पे लिखा होता है, मतलब हर टीम, हर ग्रुप, हर कंपनी का एक कोई मोटिव होता है जिसको अचीव करने के लिए वो परस्यू करता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट किसमें हम स्पेसिफाइड करके रखते हैं, अपने एमओए में, डन। अब फॉर्म्स जो है ना, बेसिक जो मेमोरेंडम की डिटेल्स है वो सेक्शन 4 में आती है, ये बोलता है कि इनके लिए कुछ टेबल्स लागू होती है, टेबल यहाँ जो अपन 5 पढ़ने वाले हैं, टेबल ए बी सी डी ई, तो एओए के लिए भी कितने टेबल पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, कभी पढ़ी है तुमने इससे पहले, ठीक है, कंपनी कितने तरह की होती है, लाइबिलिटी के बेस पे कंपनी 3 तरह की होती है, कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय या अनलिमिटेड, ठीक है, ये 3 होती है एग्जैक्टली, अपन यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है लिमिटेड बाय शेयर्स, बोला तुम लोगों ने लिमिटेड बाय शेयर्स, नेक्स्ट तुम बोला ना गारंटी, तो लिमिटेड बाय गारंटी, फिर तुमने बोला ना अनलिमिटेड, तो नेक्स्ट हो गया अनलिमिटेड। अब जो लिमिटेड बाय गारंटी है ना उसमें भी दो चीजें पढ़ने वाले हैं, जो अनलिमिटेड है उसमें भी दो चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या, शेयर कैपिटल या तो होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। तो जो ए पढ़ा उसके लिए तो सिंपल, एक ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है अगर उसको कुछ देखना होगा, एक देखो अब क्या होता है, मुझे नहीं पता ना एमओए में मैं कितने पॉइंट्स डालू, कैसे पॉइंट डालू, मुझे चीटिंग के लिए कोई तो बेस चाहिए। जब भी अपन हॉस्पिटल में जाते तो क्या अपने को अपनी मर्जी से फॉर्म भरना होता है क्या, उधर प्रिस्क्राइब सेट है ना उसको देख के अपन फिलअप कर देते हैं, करेक्ट। तो कंपनीज के केस में उनको, कंपनी को तो इतना नॉलेज नहीं होगा कि हमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए या ये टॉपिक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेट ऑफ बुक बना के दे दी उनको कि आप अगर ये कंपनी हो तो आप इसको फॉलो कर लो और ये फाइल अप करके भी हमें सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उनको कौन सी टेबल ध्यान में रखनी है, टेबल ए। बी किसके लिए है, नॉट हैविंग, तो याद रखना मेमोरेंडम के लिए हमने नहीं से चालू किया था, नहीं है, है, नहीं है, है, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्या चालू किया अपन ने? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. ऐसा हो सकता है क्या? एक कंपनी जिसमें गारंटी तो है पर शेयर कैपिटल नहीं है. नेक्स्ट है एक ऐसी कंपनी जिसमें गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है. एक अनलिमिटेड कंपनी जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है और एक ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिसकी कोई शेयर कैपिटल है. तो यहां पर ने किससे चालू किया है? नहीं है से. नहीं है, है, नहीं है, है. याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं. कंपनी फॉर्म हो सकती है कंपनी बिना शेयर्स के भी. उसमें अपन है ना इंटरेस्ट ले लेते हैं, तभी तो अपन बोलते हैं वोटिंग पावर. मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, नॉट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. हो सकता है डायरेक्टर क्यों नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना. पब्लिक डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सब एक वही तो हुआ कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर. नेक्स्ट कंटेंट किसमें? पहले अपन एबीसीडी वापस रिवाइज करते हैं. ए बोले तो लिमिटेड बाय शेयर. बी सी किसके लिए? लिमिटेड बाय गारंटी. नहीं है, है. फिर अनलिमिटेड. लास्ट वाला क्या है कि नहीं है? अब मेमोरेंडम में आते हैं कुछ क्लॉजेस. ये सुना होगा, पढ़ा होगा. क्लॉजेस कौन से हैं? कुछ याद है? और अच्छा नॉमिनी क्लॉज किसमें आएगा? कौन सी कंपनी? तो उनके लिए थोड़ा अलग, उसके लिए एक पॉइंट और हो जाता है. क्या हो जाता है? नॉमिनी क्लॉज. नेक्स्ट नेम क्लॉज में अपन क्या लिखते हैं कि नेम क्या है उसका, और वो बताएंगे कि वो पब्लिक कंपनी है या वो प्राइवेट कंपनी है. बोले तो उसकी सरनेम भी इसमें ही लिखी जाती है. डन. नेक्स्ट इज अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो वो कौन सा वर्ड लिखेगी? प्राइवेट लिमिटेड. और अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको रिक्वायर्ड है क्या ये फॉर्मेलिटीज करने की? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको क्या मिल जाता है? एग्जम्पशन मिल जाता है ना, प्रिविलेज मिलता है. नेक्स्ट जो क्लॉज आता है वो कौन सा क्लॉज आता है? सिचुएशन क्लॉज. सिचुएशन बोले तो कहां आप प्रेजेंटली हो, आपकी लोकेशन. तो यहां हम क्या लिखते हैं? ओनली द नेम ऑफ स्टेट जहां पर हम सिचुएट होंगे, जहां पर हमारा आरओ होगा. डन. आरओ बोले तो रजिस्टर्ड ऑफिस. नेक्स्ट कौन सा क्लॉज आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज. सबसे पहला अपने कौन सा क्लॉज कवर किया? नेम क्लॉज. उसमें अपने क्या डाला? सरनेम डाला. सरनेम के बारे में डिटेल्स डाल दी. फिर दूसरा पॉइंट क्या था? सिचुएशन क्लॉज. सिचुएशन क्लॉज. थर्ड जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज. अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखने वाले हैं हम? ऑब्वियसली कंपनी का मेन मोटो क्या है वो लिखने वाले हैं, और उनके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हम कैरी ऑन करेंगे. जैसे हमें टॉप पे आना है, उस टॉप पे आने के लिए हमारा मेन और क्या क्या मोटिव है, वो कैसे अचीव करने वाले हैं, वो सब हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखने वाले हैं. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लॉज. ये तो तुम्हें पता ही होगा, अब तो तुम्हें रट गया होगा. यस. तो मैं वही तो मैंने समझाया कि इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए और क्या क्या चीजें करते हैं. एक तो मेन ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का, और उसके बाद उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. तो वो सारी चीजें भी अपन ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख देते हैं. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लॉज. लाइबिलिटी क्लॉज अब तक तुम्हें रट गया है. क्या होता है लाइबिलिटी क्लॉज? तीन तरह की हो सकती है, बाय गारंटी. तो वो अपन एक्सप्रेस करेंगे ना कि हमने उनको कैसे दिया है, भी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, शेयर से लिमिटेड है या फिर, और अगर शेयर से लिमिटेड होगी तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? ऑब्वियसली ओनली द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर. उनको उतना ही पैसा देना है. 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पे कर दिया, कितना देना है? 3 ही बाकी है. अगर वो गारंटी से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स उतना ही जितना उनका उन्होंने गारंटी कर रखा, और वो भी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप. उससे पहले हम गारंटी का पैसा नहीं मंगा रहे. ठीक है. अब जब अपन ने लाइबिलिटी क्रिएट की है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल अराइज ओनली इफ द कंपनी इज वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर और विद इन 1 ईयर फ्रॉम सेसेशन ऑफ मेंबरशिप. इसका मतलब समझते हो? सीज हो जाना, खत्म हो जाना. ठीक है. तो लाइबिलिटी अपन कब करेंगे? अगर वो वाउंड अप होती है जब वो मेंबर था. बोले तो आज मैं किसी कंपनी में मेंबर थी, मैं निकल गई, आज मेरे जाने के 5 साल बाद वो कंपनी वाइंड अप हो रही है, क्या मेरा गारंटी का अमाउंट उसमें बाकी रहेगा क्या? नहीं रहेगा. अब तो मैं वहां से चली गई हूँ. तो मतलब कंडीशन क्या है? सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर अगर वो वाइंड अप हो जाती है ना, क्योंकि देखो ये मान लिया जा सकता है, अज्यूम किया जा सकता है कि मैं कोई घोटाला करके निकल गई हूँ, करेक्ट?
तो मुझ पे एक साल के अंदर अंदर वो चीज लागू हो सकती है। इसलिए हमने टाइम कितना दिया, इधर जब मैं मेंबर थी तब ऑब्वियसली बात है जब अगर मैं मेंबर होंगी तो मुझे लाइबिलिटी भुगतनी पड़ेगी, और अगर मैं निकल चुकी हूँ तो मुझे कितने टाइम तक पेनालाइज किया जा सकता है, विद इन वन ईयर तक इस हेड के अंडर मुझे लाइबिलिटी बन क्रिएटेड रहती है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब अगर वो कितने के लिए लिमिटेड होगा, उसको कितना पैसा पे ऑफ करना होगा, जितना भी डेट उस टाइम पे हुआ है जब तक वो मेंबर था तब तक, जिस दिन वो सीज हो गया, आज मैं निकल गई, आज के बाद कोई फ्रॉड हुआ है, क्या मुझे उस पैसे के लिए लाइबल किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो विद इन वन ईयर भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरी उससे कोई लिंक नहीं है। तो जब तक मैं थी उस टाइम के लिए आई विल बी ऑलवेज लाइबल फॉर दैट। ठीक है, ये तो अपन सब जगह रूल पढ़ते हैं बेसिक। नेक्स्ट इज, अगर कंपनी के कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी को एक्सपेंसेस पे ऑफ करने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी आई विल बी लाइबल। नेक्स्ट, अगर आपको कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह कोई बाकी है तो उस हिसाब से ही आपका अमाउंट पे ऑफ किया जाएगा, आप उतने अमाउंट के लिए लाइबल रहोगे। समझ आया ये पॉइंट? वाइंडिंग अप का तो वो सब लिस्ट बन के एक साथ ही आपसे पैसा मांगते हैं, एक साल के बाद आप किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होंगे, पूरा प्रोसीजर है ना एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, इसलिए हम एक साल का टाइम देते हैं कि भैया उसमें क्या होता है, कभी भी क्रिएट हो जाए। आज तुमने ना डॉक्यूमेंट्स जो लेकर गए हो, मान लो आज उसमें तुम्हारी लाइब्रेरी क्रिएट नहीं हो रही, आज कंपनी का अबंडेंट पैसा है, वो एकदम सिक्योर्ड है, पर क्या हुआ बाद में पता चला कि कोई और क्रेडिटर आया, उसने बोला अरे मैं तो कंपनी से 10 करोड़ मांगता हूँ, चांसेस है ना, उसको बाद में पता चला होगा, न्यूज़पेपर से पता चला होगा, वेबसाइट से पता चला होगा, कहीं से पता चला, वो बाद में आया, तो इसलिए हमने उसका एक थोड़ा टेन्योर बढ़ा दिया, एक साल तक बोला है, ताकि ये सारी चीज़ें वो उसमें आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है, इसका क्या मतलब हुआ? जितनी भी कैपिटल है वो कैपिटल अपन बताएंगे। ठीक है, ये कैपिटल क्या बोलता है कि मेमोरेंडम में एक क्लॉज होना चाहिए जिसका नाम होगा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में अपन बताएंगे अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है जिससे वो रजिस्टर्ड हुई है, और उसने कितने में उसको डिवाइड कर रखा है, वो अभी अपन स्टेट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लॉज जो आता है वो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। समझ गए, कंपनी को अपन सब्सक्राइब करते हैं या कंपनी से अपन जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं ना, तो इस क्लॉज का नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोले तो एक ऐसा क्लॉज जहां पर मेमोरेंडम में अपन मेंशन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स किस किस ने लिए हैं, वो उनके सामने लिख देंगे। लाइक 10 लोगों ने मिलकर अगर लिए हैं तो जितने उन्होंने पर पर्सन शेयर लिए होंगे वो अपन वहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। डन। मेमोरेंडम में ये भी इन पर्सन के नाम भी आते हैं जो पहली दफ़ा शेयर्स आपकी कंपनी में ले रहे हैं। क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, हर सब्सक्राइबर कम से कम कितना शेयर लेगा, तभी तो हम उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। जब तुमने एक भी नहीं लिया तो कैसे लेंगे हम? अगर 2 लोगों ने मिलके लिया तो वो कौन से मेंबर बन गए? जॉइंट मेंबर बन गए। पर एक तो कम से कम, 2 लोग 4 लोग 10 लोग, पर एक तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सब्सक्राइबर का नाम में एंटर करना है तो। हाँ, मैं बोल रहा ना, ले सकते हो, पर जब तुम्हारा नाम आएगा तो फिर जॉइंटली आएगा ना, तो एक सब्सक्राइबर के लिए एक शेयर लेना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय ईच सब्सक्राइबर, वो उसके नाम के ऑपोजिट साइड में मेंशन होना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अभी तक अपन ने कौन से क्लॉजेस कवर कर लिए? ये तो बेसिक सारे क्लॉजेस हो गए जो अपन हर कंपनी के लिए करते हैं। एक जो मैंने तुम्हें बताया था, लास्ट क्लॉज आएगा नॉमिनेशन क्लॉज, वो कौन सा क्लॉज होता है जिसमें बस खत्म, ये तुम्हें आता होगा। डन, इजी लगा टॉपिक? जो अपने ये रेगुलेशंस पढ़े, ये जो रूल्स पढ़े, वो किस में थे? सेक्शन 4 में कवर किए, और जो मेमोरेंडम की डेफिनेशन कवर की वो 2 सब सेक्शन 56 में कवर की थी। भूले तो नहीं हो ना? हाँ, कैपिटल क्लॉज, कैपिटल तो होगी ना, बिना बिना कैपिटल की थोड़ी कंपनी चल सकती है। वो कैपिटल इक्विटी शेयर्स में नहीं होगी, वो कैपिटल किसी और फॉर्म में होगी। बिना इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस चालू हो सकता है क्या? पार्टनरशिप होती है, उसमें अपन क्या लेते हैं? पार्टनरशिप कैपिटल लगाते हैं ना, उसमें अपन को कोई शेयर्स थोड़ी अलॉट करते हैं। बस उनका ये डिसीजन होता है कि मेरा इतना परसेंटेज है, तुम्हारा इतना परसेंटेज है। वैसे ही अगर सपोज करो अपन दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली है, तो मैं ये स्पेसिफाई कर दूंगी कि मैंने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया, तुमने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसको अपन कैपिटल क्लॉज के नाम से लिखेंगे, पर वहाँ पर शेयर्स नहीं आएंगे। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए हर कंपनी को, हर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए।
ये टेबल्स है फिर से, कौन सी है तुम्हें याद हो गई होगी, ए से लेके ई तक, पहले तो शेयर्स है, फिर गारंटी गारंटी है, नो से है, नहीं है और है में खत्म हुआ है जब अपन अनलिमिटेड की बात करते हैं। इसमें कोई डाउट? आर्टिकल्स पता ही क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय लॉज। जैसे कि अगर तुम किसी लिफ्ट में गए और वहां लिखा है नो स्मोकिंग, मतलब वो क्या हुआ, एम ओ ए के ए ओ ए? क्यों? आर्टिकल्स की डेफिनेशन जैसे एम ओ ए की डेफिनेशन थी एग्जैक्टली वैसे की वैसे आर्टिकल की डेफिनेशन है। ये क्या बोलता है, आर्टिकल बोले तो आर्टिकल जो ओरिजिनली फ्रेम्ड है या फिर अल्टर्ड है टाइम टू टाइम विद द प्रीवियस लॉ या फिर दिस एक्ट। ये तो याद है? यस मनन, याद हो गई? बाकी कोई ऐसा जिसको वर्ड टू वर्ड याद हो गया अभी? अभी तक तो तुम सबको याद हो जानी चाहिए। नहीं याद हो क्या? आपने बोला था ना समझ समझ के करना। तो समझ समझ के याद भी तो करना है। क्या समझे तो मुझे समझा दो, क्या समझे? ए ओ ए से तो ओरिजिनल है। हाँ, एक बार थोड़ा इसको और थोड़ी ग्रामेटिकल चीजों से ऐड करके बोल सकते हैं ना, वही तो डेफिनेशन हुई। ए ओ ए बोले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी को रिगार्डिंग या तो ओरिजिनली फ्रेम्ड हुआ है या फिर अल्टर्ड हुआ है टाइम टू टाइम इन परसुएंस, किसके हिसाब से हुआ होगा, या तो प्रीवियस एक्ट के हिसाब से या इस एक्ट के हिसाब से। मीनिंग क्या हुआ बोले तो वो रेगुलेशन जिसकी खुद की गवर्नेंस प्रिस्क्राइब्ड है, ओन गवर्नेंस बोले तो खुद के बायलॉज जो होते हैं वो, ठीक है। अब आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट अपन लिखते हैं कि ये किस तरीके से रेगुलेट करेगा अपने मैनेजमेंट को, कौन से मैटर्स आने चाहिए, अगर कंपनी ने कोई एडिशनल मैटर इनकॉर्पोरेट किया है जो उसे लगता है मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी है तो वो ये कर सकता है। जैसे कि हर जगह हर लिफ्ट पे ऐसा नहीं लिखा होता है नो स्मोकिंग वाला, कभी देखा है तुमने? हर जगह पे नहीं लिखा होता है, कई जगह खाली वो स्मोकिंग के वो वाइट वाइट कर, हाँ अलार्म्स सॉरी वो सेट कर रखे होते हैं, कर रखे होते हैं, तो वो डीम्ड माना जाता है कि आपकी कंपनी के ये बायलॉज है। कई जगह अपन को अंदर आने से पहले कुछ, जैसे अभी हर जगह जाने से पहले अपने को सैनिटाइज करना पड़ता है, करेक्ट? तो ये अभी के रूल्स है, तो ये क्या हो गए, एओए का पार्ट हो गया, डन। या तो देखो जोर से बोलो कि हम सबको समझ आ जाए, या फिर इतना धीरे बोलो कि उसको भी समझना है, तो बस ना बोलो ही मत। लो है ना, इम्प्लाइड बात समझ आ रही थी कि बोलो ही मत। चलो, कंटेंट ऑफ आर्टिकल में क्या क्या आ सकता है, वो रेगुलेशन जिससे कंपनी को मैनेजमेंट हो रहा है या फिर वो अदर मैटर्स जो इस एक्ट के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है, और अगर वो कुछ अपने मन मर्जी से एड ऑन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंचमेंट, ये वर्ड सुना है तुमने? yes. क्या होता है? सुना सुना ही है। तुम्हें तो इंटेलिजेंट कैसे आए हो सबके सब, कितना कितना पढ़ लिया तुमने फाउंडेशन में? फाउंडेशन में कोई पढ़ता भी है क्या, मुझे ये बता, कौन कौन है जो पढ़, कौन कौन है जिसने फाउंडेशन में पढ़ाई की थी? तो तुम्हें कौन सी याद है? ओके, एंट्रेंचमेंट। अच्छा, किस किस ने, सच बताओ, पढ़ाई करके एग्जाम दिए थे एकदम शिद्दत से पढ़ाई करके? ये तो फटाफट हाथ फोल्ड कर दिए इसने अपने। किसी ने तमीज से नहीं पढ़ाई की थी? मैं मंगा सिर्फ यहाँ तक हाथ आया, इससे ऊपर नहीं करूंगी, मैम सवाल कर लेगी। हाँ क्या पढ़ाई करके दिया था तुमने? पूरे साल पढ़ाई की थी, एक हफ्ते पहले से मूवीज देखा। पूरे साल पढ़ाई की थी प्रथम? तो क्या पता नहीं आप कौन सी बात कर रहे हो मनन। अरिहंत सॉरी, कंफ्यूजन हो गया। लॉ नहीं पढ़ी थी तो फिर पास कैसे हुए हो? गलती से। तनुश्री, मैं कह रही हूँ देखो दो तीन जने गायब है।
What's your name? ये ना अपना नाम भी गुस्से से बता रही है कि आपको याद तो हो रहा नहीं है, मैं बार बार बोल के मतलब ही क्या, मुझे याद हो जाएगा इशिका। ओके इशिका पढ़ाई की थी क्या? की थी क्या पढ़ाई? तुमने पढ़ाई की थी? सब अच्छे बच्चों है ना? मैं भी नहीं हूँ। जो एकदम एंट्रेंचमेंट, यहाँ गलत सलाह नहीं दे सकते तुमको मैं, एंट्रेंचमेंट बोले तो थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर देना, एक ऐसा प्रोविजन जिसमें अपन क्या करते हैं चीजों को और स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने तुम्हें ये बोला है कि अपने को MOA के अंदर रहना है, कंपनीज एक्ट के अंदर रहना है और AOA उस हिसाब से बनेगा, करेक्ट? पर सपोज मैंने MOA में ये कंडीशन डाली थी कि आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हो, ठीक है, पर मैंने AOA में ये कंडीशन डाली कि आप 4 लाख तक का ही लोन ले सकते हो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ मैं कर सकती हूँ भाई, मैं चीज़ों को स्ट्रिक्ट कर सकती हूँ, लिबर्टी नहीं कर सकती, इसका अपोजिट नहीं कर सकती कि 5 लाख का MOA में बोला है और 6 लाख मैंने आर्टिकल्स में कर दिए हैं। मैं कॉन्ट्राविक्ट्री प्रोविजंस नहीं डाल सकती, बट यस मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकती हूँ। इधर मैं ये भी कर सकती हूँ कि 5 लाख में से 2.5 लाख, जो इनिशियल 2.5 लाख आप ले रहे हो ना, वो 2 डायरेक्टर्स के साइन से वर्क ऑन करेंगे, बट इसके बाद का जो 2.5 लाख होगा उसके लिए आपको SR पास करना है। ये मैंने मैंडेटरी प्रोविजन डाला है अपने आर्टिकल्स में, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो अपन चीजों को क्या समझ आ गया, मुझे बताने की बात भी नहीं थी, क्या हुआ भाई? हार्ट अटैक देना तो राजी खुशी देते ना, ऐसा क्यों? मतलब ये आज सच में वो वाली बात है कि पूरी रामायण खत्म हो गई और इसने पूछा राम कौन है, नहीं नहीं सीता पूछता तो भी कोई बात नहीं। अंकुल कल इसके पास बैठना तुम जब वो डिस्टर्ब होगा ना, ये तो इनकी तिगड़ी जो बैठी है ना यहाँ पे खतरनाक बैठी है, आधे टाइम ये अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। बहुत पढ़ लिया तुमने। चलो SR बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जहाँ पर आपको कितना परसेंट वोटिंग चाहिए, या तो 75 बोलो या फिर 3/4 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और ऑर्डिनरी के लिए क्या, मोर देन जहाँ पर होगा, जिसका पलड़ा भारी होगा ना वो हो जाएगा। इसमें कोई लिखा हुआ नहीं होता है कि 50% या नहीं, ये तो अपना डीम्ड अजम्पशन है कि ऑब्वियसली जब आपको किसी चीज़ को बांटना है तो आप या तो उसको इक्वल से थोड़ा ज़्यादा बांटोगे, ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, तो जब भी अपनी को कुछ स्ट्रिक्ट चीजें कर रहे हैं तो आर्टिकल्स में अपन कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल सकते हैं जिनको अपन एंट्रेंचमेंट के नाम से जानते हैं। ये वो प्रोविजंस होते हैं जिनको अल्टर करने के लिए उनको और रेस्ट्रिक्टिव चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने ऐसे बोला है कि अगर आपको ये 5 लाख वाली लिमिट है, ठीक है, इसको बढ़ाना है, मतलब जिसको मैंने 4 लाख कर दिया था ना, इसको अगर बढ़ाना है, इसको अल्टर करने के लिए, वैसे सिंपल तो क्या होता है, SR पास करो और काम हो जाएगा, सिंपल, एक कॉमन बात बता रही हूँ। और अगर मैंने एंट्रेंचमेंट वाला रूल डाला है तो मैंने लिख दिया SR के साथ आपको स्पेसिफिक ये फॉर्म भी फाइल अप करके फिर ही इन चीजों को अल्टर कर सकते हो, तो इस क्लॉज को हम किस नाम से जानेंगे, एंट्रेंचमेंट वाला, मतलब जिसके लिए हमने डिफिकल्टी का लेवल एक लेवल और अप कर दिया है, ठीक है। कोई डाउट, इजी लगा टॉपिक? प्रोविजंस क्या क्या डाल सकते हैं, या तो फॉर्मेशन के टाइम पे ही अपन एंट्रेंचमेंट वाला कोई प्रोविजन डाल देंगे, ठीक है, या फिर उसको अमेंड कर देंगे। अब यहाँ पर अपन चीजों को डिफिकल्ट बना रहे हैं, तो अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो कितने मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सारे मेंबर्स का, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हम डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही वो प्राइवेट कंपनी है तो सबका ओपिनियन लो ना, ताकि किसी को भी कोई बात में ये गड़बड़ ना रहे कि तुमने इस रूल को टफ कर दिया। हाँ ये यूनानिमस वर्ड आएगा यहाँ पर, मतलब सबका 100% ओपिनियन मैटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है तो उसको आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू सिंपली चेंज कर सकते हो, रूल को डिफिकल्ट बना सकते हो,
ठीक है, अगर आपकी कंपनी ने कुछ भी ऐसा किया है, एंट्रेंचमेंट वाला कोई भी प्रोविजन ऐड किया है, तो अपन किसको इन्फॉर्म करेंगे? ऑब्वियसली कंपनी के आरओसी को अपन इन्फॉर्म करेंगे. ये नोटिस ऑफ जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव के चाहे वो स्टार्टिंग से ही था या फिर आपने किसी अमेंडमेंट के थ्रू किया है. मतलब उसको अलग से हमें ये बात बताना मैंडेटरी है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है. डन? कोई डाउट इसमें? इजी लगा ये टॉपिक? तो एओए में अपन कौन सा प्रोविजन डालते हैं? एंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन डालते हैं. एंट्रेंचमेंट बोले तो चीजों को एक लेवल और डिफिकल्ट करना, रेस्ट्रिक्टिव बनाना. उस रेस्ट्रिक्टिव बनाने के लिए अपन अमेंडमेंट्स कर सकते हैं या फॉर्मेशन के टाइम कर सकते हैं. फॉर्मेशन के टाइम किया तो ओके, अल्ट्रेशन किया तो दो चीजें, पब्लिक कंपनी के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी के लिए ऑल मेंबर्स का हाँ चाहिए. इसके बाद अपन आरओसी को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, चाहे वो तुमने बाद में अल्टर करके किया हो या साइमल्टेनियसली वो प्रोसेस को कैरी ऑन किया. अब जैसे अपन ने वहां पर टेबल करी थी वैसे अपन यहां पर टेबल करेंगे. एमओए में कवर किया था ए से लेके, तो यहां पर एफ से लेके एफ किसके लिए डिनोट करता है? जी किसके लिए करेगा? गारंटी, गारंटी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड. अब वहां पर नहीं से चालू किया, नहीं से चालू किया था, यहाँ पर किससे चालू कर रहे हैं? है से चालू कर रहे हैं. भूलोगे तो नहीं? लाइक ये तो सबसे सिंप्लीफाइड तरीका है याद करने का कि वहां से अपन ने ना से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. एक ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी तो है पर जिसकी शेयर कैपिटल भी है. ये स्क्रीन बाहर चली गई है क्या? नेक्स्ट, एच के लिए क्या आएगा? जो गारंटी से है पर उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है. देन अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है. और जे किसके लिए? ऐसी अनलिमिटेड जो नो, मतलब नो से चालू हुआ और नो पे खत्म हुआ है. ओके, ये अरे यहाँ नहीं, एमओए बहुत पुराना, मतलब वो फाउंडेशन का प्यार जो एग्जीक्यूटिव तक भी पूरा ना हो पाए. ठीक है, याद रहे? अब तो तुमको सबको याद रहेगा, खाली उसको नहीं, सबको नहीं, इसकी तो है. ऐसे ही बोल रहा है, मुझे कोई मतलब, मैंने कभी नो सुना ही नहीं आज तक जिंदगी में. हाँ, ऐसा जो लॉ इतना अच्छे से रट लेता है ना, वो कभी सीधा नहीं हो सकता. पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें लॉ रटने की ताकत है ना, वो कभी सीधा नहीं होगा. हाँ, तो समझ आ रहा है मुझे, यहाँ सीधा तो कोई भी नहीं है. सबकी शक्लों पर ऐसी वो क्रूरता दिख रही है ना मुझे, क्या बताऊं मैं. और सबसे सीधा बताऊं कौन है? अंकुल. जलेबी नहीं है वो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है क्या? पता नहीं, मेरा ऐसे लड़कों से पाला नहीं पड़ा. चलो, टेबल कौन सी कवर अप कर ली अपन ने? ए बी सी डी ई. वहां किससे चालू किया था? नो से. यहाँ एंड किस पे किया है? नो से. एओए के लिए कौन सी टेबल्स पढ़ी अपन ने? क्या क्या पढ़ा है? वाह वाह, यस मनन. कॉन्फिडेंस मेरे सामने देख के ऐसे एकदम मतलब कुछ भी नहीं. इतनी सीधी चीज के लिए तुम्हें वोट देखना पड़ा यार, क्या कर रहे हो? प्रथम संयम, संयम बोलो कौन सी टेबल्स कवर अप की अपन ने? हाँ, किसी को भी बता दो यार, बता तो दो. क्या क्या कवर किया उसमें अपन ने? पक्का सही बोला उसने? क्या बोला उसने अरियंत लास्ट? हाँ यार, तुम्हें सब याद हो रहा है. यहाँ कौन सी टेबल्स कवर की थी लास्ट? एओए में कौन से कहाँ तक खत्म किया अपने टेबल? एप्लीकेबिलिटी ऑफ मॉडल आर्टिकल्स. अगर अपन ये जो आर्टिकल्स है एग्जैक्ट इनको कॉपी करते हैं तो यस, अपन इनको कॉपी करते हैं. और
कर सकते हैं और अगर अपन ने इनको कॉपी किया है और किसी भी चीज को एक्सक्लूड या मॉडिफाई नहीं किया है तो मान लिया जाएगा कि डीम्ड आपने ये सारे प्रोविजंस एज इट इज कॉपी करके एक्सेप्ट कर दिए हैं। समझ आया? वो वही वाला बच्चा है जो चीटिंग करता है और बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि उसने चीटिंग किया है। कोई कोई अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए तुम्हें पता है सीएस एग्जीक्यूटिव तो चलो चलो वो फिर भी है ना वैसा था। आगे बोलूं मैं बोलूं अपनी बात। सीएमए वालों का फाइनल और इंटर दोनों ही है ना होम बेस भी ऑप्शन था तो मतलब लोगों ने चीटिंग किया इतनी समझदारी से किया कि एग्जैक्ट बुक का ही बुक कॉपी की है तो उनको मेल आ गया कि आप 5 साल के लिए जाओ अब आपका कोई काम नहीं है इंस्टीट्यूट में। हाँ तुम लोग को नहीं पता ये बात तो क्या बात चीटिंग तो सब चालू होते हैं नीचे। तुम्हें देखो एक तो यहाँ पर अगर तुम कुछ रखोगे ना मोबाइल भी रखोगे तो किसको क्या दिख रहा है ये तो ऐसे दिखेगा ना तो मैं यही तो बोल रही हूँ। तुम्हें अगर स्क्रीन भी देखनी है तो तुम जैसे तुम्हारा ये लैपटॉप है यहाँ पर तुमने साइड में रख दिया है और यहाँ से तुम गूगल भी कर रहे हो और वहाँ तुम देख भी रहे हो तो किसको दिख रहा है? मेरे टाइम ये बेनिफिट्स नहीं आए थे ये तो मैं आजकल के बच्चों को देख के सीख रही हूँ कि चीटिंग ऐसे भी की जा सकती है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप किसको धोखा दे रहे हो इट्स लाइक खुद को ही चीट ऑन कर रहे हो आप इससे ज्यादा किसी को नहीं। सिर्फ 1 साल पास हो गए कोरोना की वजह से आगे तो आने वाला है ना आगे क्या करोगे 5 साल के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। 2 मिनट बंद कर दो।